हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 18 अप्रैल 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आरबीएल बैंक में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि यहाँ पे हमें जो है ट्यूसडे के दिन क्या देखने मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.85% का नेगेटिव मूव, 243.85 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे थर्सडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे ट्यूसडे क्लोजिंग के बेसिस पे थर्सडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए बिना समय गए सीधा हम जाते हैं सबसे पहले वन डे के चार्ट में। बात करते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो ये रहा हमारा वन डे का चार्ट। वन डे के चार्ट पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम और हमारे कैंडल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल यहाँ पे एवरेज सा कैंडल देखते हुए मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं एवरेज सा देखने मिला, लेकिन कैंडल यहाँ पे एक स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी जरूर बनी है। ऊपर के साइड में नीचे के साइड में छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसएम हमारा 43-44 के आसपास जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड पॉजिटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसएम इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए कहूँ तो जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव हमें अराउंड 237 के आसपास देखने मिले। अगर उसको भी क्रॉस करते हुए मोमेंट हमें जो है वो इजीली 229 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड भी जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है थर्सडे के दिन। तो यहाँ पे मैं अपना वन आर का चार्ट जो फिलहाल ओपन करके रख दिया, तो ये रहा हमारा वन आर का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे के साइड में सपोर्ट जोन मार्क्ड है। यहाँ पे ऊपर के साइड में स्टॉक जो इस रेंज में आया था तभी हमने कोई जो है एनालाइज बीच में नहीं किया था, इसकी वजह से मार्किंग्स नहीं है, तो फिलहाल वो मैं मार्किंग्स करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जूम करके मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 243.85 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 242.95 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 245.95 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता 239 का, उसके बाद क्या 235 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 248 का, उसके बाद क्या 251 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस मंडे इस थर्सडे का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन थर्सडे के लिए मैं कहूँ तो जरूर एक पॉजिटिव मूव का 245.95 से लेकर 248.55 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक की जो अर्निंग्स यहाँ पे रिलीज होने वाली है थर्सडे के दिन, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉशियसली आप काम करें क्योंकि अर्निंग्स के दिन तो कई बार स्टॉक जो है ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपसाइड और डाउनसाइड मूव जो है हमें बड़ा दे सकता है। तो यहाँ पे उस दिन जो है मैं यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ, तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँगा उस दिन जो है यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड को जो जरूर अवॉइड करें। बाकी मेरा ओपिनियन पॉजिटिव साइड का है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।